जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं नहीं, हाथ नीचे करो। बाजा बंद कर देंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी की बातों को सुनेंगे, बाजा बंद करेंगे। कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा झारखंड की आम जनता ने हमारी यात्रा में डाली, तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हेलो, जितने भी लोग गाजा बाजा बजा रहे हैं उनसे आग्रह है कि बाजा बंद कर देंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी की बातों को सुनेंगे, बाजा बंद करेंगे। इस नया यात्रा में एक कदम आप चलिए, और आज राहुल जी का जो संकल्प है कि हम न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगे, न्याय मिलने तक, ये संकल्प में आप भी कदम बढ़ाइए। रांची की लोग, झारखंड के साथियों, आदिवासी को बेटा और बेटियों, आज ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। हम सभी झारखंड वासी आदरणीय राहुल गांधी जी को हार्दिक जोहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आप जिन मुद्दों को लेकर के निकले हैं उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। नमस्कार। सबसे पहले मैं गठबंधन को, सोरेन जी को, हमारे सब एमएलए को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बीजेपी और आरएसएस की जो साजिश थी उसको रोका और यहां गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। काफी लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, बाकी प्रदेशों से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा की, कुमारी से आप कश्मीर चले, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा, इधर तो आपने यात्रा नहीं की, आपको दूसरी रात यात्रा करनी चाहिए। मणिपुर से महाराष्ट्र एक और भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, और ये हजारों लोगों ने हमसे कहा, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम कर रहे हैं, और आपने देखा झारखंड में कितने जोश से, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा झारखंड की आम जनता ने हमारी यात्रा में डाली, तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हेलो, जितने भी लोग गाजा बाजा बजा रहे हैं उनसे आग्रह है कि बाजा बंद कर देंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी की बातों को सुनेंगे, बाजा बंद करेंगे। तो इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने एक नया शब्द डाला है, न्याय शब्द डाला है, और इस शब्द को, इस शब्द को देश में आज बहुत अच्छी तरह समझा जा रहा है। ये जो एचईसी के पोस्टर लिए हैं, आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, जोर से बोलो, दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इसका आस्ते 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 गला घोट रहे हैं, सही बताइए, एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार
और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल एचईसी फैक्ट्री का नाम बदलकर अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर लगा दिया जाए। बीएचईएल नहीं, एचईएल नहीं, एचईसी नहीं, इंडियन ऑयल नहीं, अदानी। और मैं इस स्टेज से आपको बता दूंगा, और ये याद रखिए एचईसी वाले लोग, कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो, कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, बात आप समझिए, देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं, सही बात है? और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको यह बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है, यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है, यह हो रहा है। आप जानते हो दलित वर्ग के अफसर कितना कितना निर्णय लेते हैं? फिर से बोलो, जीरो, जीरो जितना। और कहिए ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं मिला, सरकार में नहीं मिला, अस्पतालों में नहीं मिला, यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिला, और फिर आप लिस्ट निकालिए जो कॉन्ट्रैक्ट से काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालिए, और उस लिस्ट में आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे, और कोई नहीं मिलने वाला। आज मैं अभी सड़क पर था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा,
वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा, सामाजिक अन्याय और इसी से जुड़ा हुआ आर्थिक अन्याय। आप मुझे बताइए, जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे, नहीं नहीं हाथ नीचे करो, यहां पे एक व्यक्ति जिसको जीएसटी से फायदा हुआ हो मुझे दिखा दो, कौन है ये? अंबानी को फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ, देश के अमीर लोगों को फायदा हुआ, ये एचएसई में जो काम करते हैं इनका जबरदस्त नुकसान हुआ। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अमीर लोग नहीं देते, जीएसटी वो मजदूर देता है जो 200 किलो को धकेल रहा था, वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है, अंबानी देता है। वो शर्ट खरीदता है उतनी ही जीएसटी लगती है जितनी अदानी जी की शर्ट को लगती है। तो पैसा कहां से जा रहा है? बजट का पैसा कहां से जा रहा है? दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी से, और जा कहां रहा है? अरबपतियों के जेब में, अदानी की जेब में।